अभी की जो कंडीशन है वो हम आपको दिखा देते हैं कि अभी की फिलहाल की क्या तो थाई की फिलहाल ये कंडीशन है और अपर की ये, तो भैया मैं तो कंडीशन माल डालूंगा लड़के के, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल राकेश सेठी फिटनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मेरे साथ करण है और करण को साथ में लेने का जो मेन मकसद है कि काफी लंबे टाइम से जो है पावर लिफ्टिंग से जुड़ा हुआ है, 2.5 साल के करीब हो चुके हैं और काफी अच्छे इसने मेडल भी मारे हैं, दिल्ली स्टेट पावर लिफ्टिंग, नॉर्थ इंडिया इंडिया, मेरे को खुद भी याद नहीं है, दुनिया भर के सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। अभी लास्ट टाइम जो है हाल फिलहाल के अंदर जो है इंटरनेशनल खेल के आया था, इंडो नेपाल है ना जी चैंपियनशिप, तो गोल्ड आया था उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरा खुद का मन है कि लड़के की जो है बॉडी वेट जो है 60 kg में चल रहा था और इसी में पार्टिसिपेट कर रहा था और मेडल भी बहुत अच्छे मारे इसने, तो कहीं ना कहीं मेरा मन है कि गेनिंग में डालने का कुछ टाइम के लिए, पावर लिफ्टिंग से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हटा के और इसकी गेनिंग कराने का मेरा मन है कि 60 किलो का जो बॉडी वेट है इसको चेंज करते हुए 10 से 15 किलो के करीबन बॉडी वेट गेन करते हुए चलेंगे और मसल मास जो है वो भी गेन करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल का जो बॉडी वेट है वो हम आपको दिखाते हैं बच्चे का कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। एक बार बॉडी वेट दिखाओ अपना, क्योंकि 60 किलो की जो कैटेगरी है उसमें खेलता था ये। चल अभी लास्ट कंपटीशन खेल के आने के बाद इसका 2 किलो वेन बढ़ा है नेचुरली, अपना डाइट वगैरह चेंज करी है वहां से आने के बाद, तो 62 के आसपास इसका बॉडी वेट आ रहा है और जो मैं टारगेट दे रहा हूं उसको कहीं ना कहीं 75 के आसपास लेके चलेंगे इसको, ठीक है बेटा। और अभी की जो कंडीशन है वो हम आपको दिखा देते हैं कि अभी की फिलहाल की क्या कंडीशन है, दिखाना एक बार यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम जो है आजाद क्लासिक खेला था इसने, है ना, तो बॉडी बिल्डिंग में जो है लास्ट टाइम आजाद क्लासिक खेला था और 5th प्लेस आई थी इसकी बॉडी बिल्डिंग में, और मिस्टर संगम बिहार भी खेला था बॉडी बिल्डिंग में तो उसमें प्लेस नहीं पड़ी थी। आ जाओ सामने एक बार, फ्लेक्स कर एक बार, फ्लेक्स। तो 62 किलो जो है 62 kg के अंदर ये है, एक बार बैक डबल बाइसेप्स मारो पीछे की तरफ की, ये ठीक है बेटा। अब एक बार थोड़ा सा थाई में भी दिखा दो कि कुछ बचा कुचा है माल वाल या नहीं 62 किलो में, एक बार दिखा पड़े एक बार खींच के लियो, चल शाबाश। तो थाई की फिलहाल ये कंडीशन है और अपर की ये कंडीशन है, तो जैसे कि 75 kg वेट होगा तो कहीं ना कहीं वेट भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं नेचुरल के लिए नहीं कहूंगा, जैसे कि आज हम बच्चों का बॉडी वेट भी कम कराते हैं नेचुरली और कई बार बच्चों के डाउट रहते हैं कि नेचुरल करते ही नहीं करते भाई, मैं सही बताऊं, और हम चैलेंज भी डाल देते हैं कि भैया बच्चे ने नेचुरल बॉडी वेट कम करा है, जिसको अगर डाउट है तो कराओ टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करंटली जो बॉडी वेट मैंने जैसे बताया 75 kg करना है, तो भैया मैं तो माल डालूंगा लड़के के, ठीक है, और माल भी ये नहीं कि कोई स्टेरॉइड डालूंगा, स्टेरॉइड वगैरह कुछ नहीं डालने, ठीक है बेटा, लेकिन माल लेके करेंगे और 75 kg का टारगेट है मेरा खुद का, देखते हैं कि कैसी जर्नी जर्नी रहती है हमारी ये, और हमारी YouTube फैमिली से शेयर करते हुए चलेंगे। और इस बार की जो है मैं चाहूंगा कि करण को कि अपनी डाइट जो है वो भी शेयर करें हमारी YouTube फैमिली के साथ, माल मैं शेयर नहीं करूंगा कि क्या डालूंगा क्या नहीं डालूंगा, लेकिन डाइट जरूर शेयर करेंगे, ठीक है बेटा। वर्कआउट तो सिंगल पार्ट पे आप आज से चालू कर ही दिया हमने, बाकी जितनी भी डाइट होगी धीरे धीरे वो शेयर करते हुए चलेंगे कि किस तरीके की आप अपनी बॉडी वेट गेन करते चल रहे हो, मसल मास अभी की ये कंडीशन है और 1 महीने के बाद की जो कंडीशन होगी वो हम आपके शेयर करते हुए चलेंगे। तो गाइज कहीं ना कहीं जो है बच्चों को जो है इसी तरीके से मोटिवेट करते रहे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, आगे जो है नेक्स्ट टाइम जो है करण के साथ बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, थैंक यू गाइज।